हेलो मेरे यारों, मेरा नाम है धनश्री और आप देख रहे हैं सन की फैक्ट्स। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं कि अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही फैक्ट करेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो लेट्स बिगिन विद द फैक्ट। फैक्ट नंबर 10, अगर आप पाकिस्तान में स्टडी करने के बारे में सोच रहे या जाने वाले हैं, तो आपके स्टडी का खर्च अगर 2 लाख के ऊपर चला जाए तो आप गवर्नमेंट को स्पेशली 5% का टैक्स देना होता है आपके स्टडी के लिए। ये बहुत ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 9, आपका मोबाइल हर कोई आके छूता है, पर आपको ये पता है अगर आपका कोई फोन बिना परमिशन के टच करे या उसे पकड़े तो पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से आप उस पर्सन को जेल में डाल सकते हैं 6 या 7 महीने के। फैक्ट नंबर 8, पाकिस्तान में बहुत सारे होली वर्ड्स हैं, मतलब पवित्र शब्द है, जिसे आप इंग्लिश में बोल नहीं सकते या फिर उन्हें ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वहाँ पे गैर कानूनी माना जाता है। जैसे कि वो शब्द अल्लाह, मुस्लिम, रसूल या नबी जैसे शब्द है, वहाँ पे आप इंग्लिश में उन्हें ट्रांसलेट नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 7, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मैसेज करते या उन्हें मैसेज कर करके तंग करते, लेकिन पाकिस्तान में आप किसी को मैसेज करके तंग कर रहे हो या फिर ऐसे करते हुए पकड़े गए हो तो आपको 10 लाख तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये एक बहुत अच्छा लॉ बनाया गया है पाकिस्तान। वैसे मुझे बहुत लोग तंग करते हैं। फैक्ट नंबर 6, आप तो नॉर्थ कोरिया को जानते ही होंगे, वहाँ पे पीएम को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वैसे ही पाकिस्तान में पीएम के बारे में कोई कुछ बोले या फिर आप कुछ अनाप शनाप पीएम के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे तो आपको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मुझे सब्सक्राइब कीजिए। फैक्ट नंबर 5, एक इंसान सारे देश जा सकता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के हिसाब से पाकिस्तान इजराइल को देश ही नहीं मानता है। मतलब एक देश होके भी देश नहीं मानना, ये हुआ ना वियर्ड फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, पाकिस्तान में रमजान के समय आप बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते, अगर दुकान चालू होंगे तो भी नहीं, क्योंकि उसे गैर कानूनी माना जाता है। अगर आप अदर कास्ट होंगे तो भी वहाँ पे अलाउ नहीं है बाहर का खाना, क्योंकि उसे भी एक गैर कानूनी ही माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे गैर कानूनी माना जाता है, जबकि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर की संख्या 20% से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2, बहुत सारे देशों में पीएम बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं लगती है, वैसे ही पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगती, लेकिन अगर आपको किसी स्कूल का प्यून बनना है तो आपको हाई से हाई क्वालिफिकेशन की गरज होती है। फैक्ट नंबर 1, बहुत सारे देशों में लिविंग रिलेशनशिप में रहना एक आम बात है, लेकिन पाकिस्तान में बिना शादी के अगर आप लिविंग में रह रहे हो तो ये एक गैर कानूनी है, इससे आपको जेल भी हो सकती है या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पाकिस्तान की कोई न्यू रूल्स पता चले होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें यार, कर भी दो यार, लाइक शेयर एंड